ब्रह्मांड कितना विशाल है इसकी कोई सीमा नहीं, और इस विशालता में क्या हम अकेले हैं? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या इनके अलावा भी प्लैनेट्स हैं? हाँ बिल्कुल, इन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हैं जो हमारे सन के अलावा किसी और स्टार के ऑर्बिट में घूमते हैं, और ये एक्सोप्लैनेट्स कई तरह के होते हैं। कुछ गैस जायंट्स हैं जैसे जुपिटर, पर बहुत गर्म। कुछ रॉकी प्लैनेट्स हैं हमारी धरती से भी बड़े, जिन्हें सुपर अर्थ कहते हैं, और कुछ मिनी नेपच्यून्स, नेपच्यून से छोटे पर फिर भी गैस प्लैनेट्स। वैज्ञानिक इन एक्सोप्लैनेट्स को कैसे ढूंढते? कई टेक्निक्स हैं, जैसे ट्रांजिट मेथड, जिसमें स्टार की ब्राइटनेस में थोड़ी कमी देखी जाती है जब प्लैनेट उसके सामने से गुजरता है। एक और तरीका है रेडियल वेलोसिटी मेथड, जिसमें स्टार की वॉबल को मेजर किया जाता है, जो प्लैनेट की ग्रेविटी से होता है। केपलर और टेस जैसे टेलीस्कोप्स ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं। ये एक रेवोल्यूशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। सबसे एक्साइटिंग सवाल है, क्या इन एक्सोप्लैनेट्स पर लाइफ है? वैज्ञानिक लगातार ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं जो हैबिटेबल जोन में हों, मतलब जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। ये रिसर्च अभी भी जारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमें जवाब मिलेगा। ब्रह्मांड में अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं, और एक्सोप्लैनेट्स की खोज बुआ है हमें उस जवाब के करीब ले जा रही है। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? ऐसे ही और रोमांचक स्पेस और यूनिवर्स से जुड़े फैक्ट्स जानने के लिए क्यूरियस माइंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।